ग्रीन ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। ये सेवंतियों के फूल से मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। ये येलो सेवंती है, देखिए ये येलो सेवंती कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए ये वाइट पर्पल, लाइट पर्पल वाली, ये भी बहुत सुंदर बुशी हो गई है। ये देखिए ये भी सेवंती। आज मैं आपको सेवंती के केयर के बारे में बताऊँगी। इधर भी देखिए ये नया कलर है सेवंती का। ये देखिए फूलों से, ये प्लांट पूरा फूलों से लदा हुआ है। सेवंती के केयर के लिए सबसे पहले आप, यदि आपके सेवंती में फ्लावर आ चुके हैं तो इस तरह जो फ्लावर आपके खिल चुके हैं पूरी तरह और डैमेज भी हैं, इस तरह आप फ्लावर को निकाल दें। देखिए इस तरह के जो फ्लावर हैं आपके पास, जो आपके फ्लावर सूख चुके हैं, और जब आप ये फ्लावर निकालेंगे तो आपके नई नई बर्ड्स, नई नई ग्रोथ प्लांट में स्टार्ट होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह आपको इनकी पिंचिंग कर देनी है। इन जो डेड फ्लावर्स हो गए हैं, जो फ्लावर्स हो गए हैं पूरे खिल चुके हैं, इन्हें आप अपने इस प्लांट से निकाल दें। ये जैसे मैं निकाल रही हूँ, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए मैंने कितने सारे डेड फ्लावर्स निकाल दिए हैं। अब जो है आपकी जो फ्लावरिंग है वो अच्छी करने के लिए आप इसको जो है, देखिए इस प्लांट में मैंने एक दिन पहले पानी दिया था, एक दिन इसको दिया ही नहीं तो थोड़ी मिट्टी सूखी हुई है। अब इस सूखी मिट्टी को आप जो है किसी भी डंडी या किसी भी लोहे की, उससे आप इसको पहले धीरे धीरे इसकी मिट्टी को आप भुरभुरा करिए इस तरीके से। देखिए इसको, इसकी गुड़ाई करेंगे इस तरीके से, आप गुड़ाई करिए। और ये जो आपकी लीव्स हैं, देखिए इसमें, इस प्लांट में जो लीव्स हैं, डेड लीव्स हैं, ये भी आप निकालिए। डेड लीव्स निकालने का एक फ़ायदा होता है कि जहाँ से आप डेड लीव्स निकालते हैं वहाँ से इसकी ग्रोथ जो है, नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, नई लीव्स आना शुरू हो जाती हैं और नई नई ब्रांचें निकलना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से आप जो है इसको किसी भी रॉड से, खुरपी से, आपके पास जो भी हो वो आप इसको, इसकी गुड़ाई करें। और गुड़ाई करने के बाद आप जो है, गुड़ाई करने के बाद थोड़ा सा आप काऊ डंग डाल दीजिए, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हो, कुछ भी आप डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स इस समय यदि आपका जो है ये सेवंती का जो प्लांट है, यदि फूलों से भरा है तो आप इसको मेनली लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए। और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के लिए आपको पहले भी मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि सरसों की खली और जो है गोबर की खाद को पानी में दो तीन दिन रखने के बाद उसका जो लिक्विड बन जाए उसको आप स्प्रे कर दीजिए। और स्प्रे इस तरह करिए कि मेनली इनकी लीव्स में हो, लीव्स में, रूट्स में, और यहाँ पर पूरे प्लांट्स में। फ्लावर के ऊपर स्प्रे मत करें, यदि करना भी है तो एकदम लाइट करें, बहुत कम। और जब इस पर स्प्रे कर देंगे तो आपका जो प्लांट है वो इस तरह से, मैं पहले 15 दिन पहले इसमें कर चुकी हूँ, देखिए कितना अच्छा ये सेवंती का फूल, कितने सारे फूल आ चुके हैं इसमें। देखिए कितने नई नई बर्ड्स बन चुकी हैं, नई नई बर्ड्स बन चुकी हैं इस पर, देखिए कितनी सारी बर्ड्स आई हैं। आप इसी तरह और भी प्लांटों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये गेंदे पर भी मैंने किया था। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।